गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, अपन ने फ्रांस की क्रांति की बात की। आगे इसका कुछ टॉपिक रह गया था, उसकी चर्चा अपन करेंगे। जब राजा लुई सोलवे के द्वारा मान्यता नेशनल असेंबली को दे दी जाती है, उसके बाद में जो सम्राट की जो शक्तियाँ थी उसमें बहुत कमी हो जाती है। वहीं फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की भी नींव स्थापित हो जाती है। जैसे अपना इसमें पहला टॉपिक मैंने लिखा है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार राजतंत्र व्यवस्था चलेगी। 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया जाने के बाद सत्ता में एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया। जैसे पहले अपने बात करें, शक्तियों का जो केंद्रीकरण था वो था राजा के यानी लुई सोलवे के पास था, लेकिन फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव स्थापित होने पर इस शक्तियों का वर्गीकरण हो गया, विभाजन हो गया और बहुत सारी संस्थाओं के पास में वो शक्ति चली गई। वहीं जिसमें ये संस्थाएं थी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया और इनको हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और इस नए संविधान का मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, क्योंकि उसकी निरंकुशता जो बढ़ती जा रही थी उसको सीमित करना था। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, यानी यह अधिकार किसको आ गया, किसके पास आ गया, नेशनल असेंबली के पास में आ गया। और नेशनल असेंबली में कौन लोग थे, तीसरे एसिस्ट के लोग थे। ये नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यानी जनता के द्वारा नहीं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं सक्रिय नागरिक, ये एक नए संविधान के अनुसार फ्रांस की 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोगों को मताधिकार प्राप्त था और उनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी केवल 40 लाख लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। ये सक्रिय लोगों में कौन थे, यानी 40 लाख लोग ही थे बस, इनको ही मताधिकार का दर्जा था। सक्रिय नागरिक का दर्जा उन्हीं लोगों को प्राप्त था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। कितनी, 3 दिन की, यानी 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर टैक्स देते हैं वो सक्रिय नागरिक में आते थे, 3 दिन की मजदूरी। टैक्स के रूप में जो देंगे। निर्वाचक की योग्यता और असेंबली का सदस्य होने के लिए करदाताओं को उच्च श्रेणी में होना जरूरी था, इसलिए ही अप्रत्यक्ष थे, जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे। इनमें क्या था, यानी जो व्यक्ति 3 दिन की मजदूरी टैक्स के रूप में देगा वो ही यानी सक्रिय नागरिक होगा। वहीं विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किया गया, यानी व्यवस्थापिका पर। अब नया संविधान बन जाने के बाद में विधायिका, जैसे नेशनल असेंबली कहा जाता था, यानी विधायिका किसे कहते थे, नेशनल असेंबली को कहते थे, और इसके 745 सदस्य, यानी इसके नेशनल असेंबली के 745 सदस्य फ्रांस में, कार्यपालिका जिसमें स्वयं सम्राट यानी लुई सोलवे और उनके मंत्रीगण शामिल होते थे, जिसे
नेशनल असेंबली नियंत्रित करती थी, यानी प्रमुख रूप कौन के प्रमुख नेतृत्व कौन करता था, नेशनल असेंबली करती थी। सक्रिय नागरिक जिन्हें मताधिकार प्राप्त था, यानी मत देने का अधिकार था, जैसे 40 लोग थे ये मैंने जैसे बताया आपको, इनको ही मत देने का अधिकार था। वे निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे और यही निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे, यानी अप्रत्यक्ष नीति के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा। न्यायपालिका का चुनाव भी सक्रिय नागरिक वोट के द्वारा ही किया जाता था। वहीं पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा, यानी अधिकारों की घोषणा की गई नए संविधान में। नए संविधान की शुरुआत इसी घोषणा पत्र से हुआ। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक यानी जन्मजात अधिकारों की रक्षा करेगा। और इन अधिकारों को शामिल में कौन कौन से अधिकार थे, जीवन के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, वहीं कानूनी बराबरी का अधिकार है, यानी सबको कानून बराबर रूप से मानना होगा, और नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार है, यानी किसी भी व्यक्ति का यानी अधिकारों को छीना नहीं जाएगा, अहरणीय यानी छीना छीनने के नहीं जाएगा। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को जन्म से ही प्राप्त थे, यानी नैसर्गिक थे और इसे छीना नहीं जा सकता है। वहीं ये स्वयंसेवी थे, स्वयंसेवी इन स्वयंसेवियों देश के व्यक्ति देश के प्रति इनकी भक्ति रूपी गाना, जिसमें मर्सीलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, और इसलिए इसका नाम मर्सीले हो गया और अब यह फ्रांस में राष्ट्रगान के रूप में गाया जाने लगा। यानी जो ये इससे जो जुड़े थे मर्सीलेस से, वो स्वयंसेवी थे जो अपने देश के हित चाहते थे। वहीं क्रांतिकारी परिवर्तन, नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया, जिसमें नए संविधान को हम देखें तो पाते हैं कि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, यानी सत्ता में आने का जो अधिकार था वो धनाढ्य लोगों को ही था। इसलिए क्रांति की आवश्यकता थी, और जिसे देश के आबादी का बड़ा हिस्सा ठगा गया था, यानी उनको मूर्ख बनाया गया था, किनके द्वारा, इन अमीर लोगों के द्वारा। महसूस कर रहा था ये बड़ा हिस्सा कि हमसे धोखा हुआ है, और वे इस क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं जैकोबिन क्लब ईएस के सदस्य थे, जिसमें जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य थे समाज में कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी इतने समृद्धशील नहीं थे, लेकिन एक क्रांति की जो ललक थी इनके मन में भी थी। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज यानी घड़ी सुधारने वाले, वहीं छपाई करने वाले, रंगाई छपाई करने वाले, और नौकर वे दिहाड़ी मजदूर, जो दिन रोजाना काम करता है उसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। तो ये सब इसमें शामिल थे, किसमें, जैकोबिन क्लब में, किसमें, जैकोबिन क्लब में, यानी इतने ये समृद्ध नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। और इनका एक नेता था जो नेतृत्व करता था इनका, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्या नाम था इसका इनके जो नेता जैकोबिन क्लब का जो नेता था, नेतृत्व करता था, जिसका नाम, क्या नाम था,
मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर रॉबेस्पियर था। क्या नाम था? मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। ध्यान रहेगा जैकोबिन क्लब के जो मुखिया था, नेता था, उसका नाम था मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। और इनका जो पहनावा था वो भी अलग था औरों के बजाय। जैकोबिन क्लब के एक बड़े वर्ग ने गोदीकार कामगारों जो सिलाई का काम करते थे की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का, जोकर वगैरह वो पहनते हैं जो घुटने तक पहना जाता था, पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाला ब्रीचेस पहनने वाले बुफ लीनो से खुद को अलग करने के लिए किया था। यानी लोगों से, और लोगों से डिफरेंट दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए, भिन्न दिखने के लिए। यह ब्रीफ चेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का अलग, उनका एक अलग तरीका था। यानी एक अलग दिखने का उनको अलग तरीका था। कुलीनों की सत्ता की समाप्ति का एक उनने एक ऐलान कर दिया था, उनके प्रति एक तरह से अलग विद्रोह कर दिया। सो कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, घुटनी तक नेकर कह दो, या उसे क्या कहते हैं, कैप्री कहते हैं, वहीं टोपी भी पहनते थे, और स्वतंत्रता का प्रतीक भी थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी, महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिए गए थे। आज इतना ही और कल पढ़ाएं।